हाय एवरीवन, दिस इज सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिव बोर्ड। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। जो भी लोग हमारे साथ में सेशन में हो, अगर आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, सब कुछ ओके है तो एक एक बार ही बता दो एंड वील स्टार्ट द सेशन। ओके, सो अगर सब सही है तो बता दीजिएगा। इज एवरीथिंग ओके? एंड प्लीज डू शेयर द सेशन वंस। एक एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी हम लोग को ज्वाइन कर पाए। ओके, बिसाइड यू कैन सी दिस, आप लोगों का SBI के लिए एक कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, हियर यू कैन सी दिस SBI क्लर्क मीन्स प्रैक्टिस बैच। ओके, तो ये आप लोगों का शुरू हो रहा है। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो हमें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन अस। और आपका जो कोड होगा दैट विल बी सुष्मिता SUSHMITA। फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस कोड। ओके, एंड ऑल्सो इसके अलावा आपका एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का भी क्लास शुरू हो रहा है, तो इसको भी आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये 2nd of October से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये बैच आपकी कब से शुरू हो रही है? 23rd of September से। ओके, एनीवे अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो बता दो, बिकॉज आई कैन सी वेरी लेस कमेंट्स एंड इफ देर इज लाइक पीपल लेस सो आई विल बी क्लोजिंग द सेशन, बिकॉज फिर फायदा क्या है, इजंट इट? वही हो जाएगा, मैं खुद को पढ़ा रही हूँ, खुद ही आंसर कर रही हूँ, सो दैट इज नथिंग आई वॉन्ट टू डू। ओके, सो इफ इट इज ओके गिव मी अ थम्स अप, एटलीस्ट लेट बी नो कि हाँ ओके है। सो विल कंटिन्यू द सेशन और आई विल ब्रेक इट इन बिटवीन एंड आई विल बी गिविंग यू द PDF। ओके, हेलो, चलो तो हाय हेलो करते रहा करो, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ भाई लोग अभी हैं मेरे आस पास, इजंट इट? ओके, सो सॉरी अगेन, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। ओके गॉड, ओके चलो अपने मॉक को शुरू करते हैं और अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, Which of the following digital solution company has been recognized as the global innovation partner of the year by Snowflake? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर बाय स्नोफ्लेक। ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? एलनर टेक्नोलॉजीज, LNT, वैट कंसल्ट, किब्रिक्स या टेक्नोलॉडर? वट इज द आंसर? या सी द आंसर ये विल बी व्हाट, ये एलर नहीं होगा, एलर गलत बता रहे हो कुछ लोग। ठीक है, द आंसर ये विल बी व्हाट, द आंसर विल बी लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक। ठीक है, देखो लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक, अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ ईयर बाय स्नोफ्लेक द डेटा क्लाउड कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना, LTI received this prestigious recognition during Snowflake Virtual Partners Summit. ओके, तो चलो इसको आप लोग जरा ध्यान रखे रहना। इसके अलावा हाँ कुछ और भी चीज़ों को याद रखे रहो, जैसे LNT जो है अभी अभी इन्होंने क्या किया था, अभी इन्होंने 100th K9 वज्र सप्लाई किया था। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 1000th K9th वज्र हॉविजर किसने सप्लाई किया था, तो ये LNT ने किया था। उसके अलावा याद रखे रहेगा कि इन्होंने ICG के लिए एक कोस्ट गार्ड बनाया था, दैट इज C453। ठीक है, C453 ये इन्होंने ICG के लिए बनाया था। बेसिकली ये क्या है, ये एक आपका इंटरऑपरेबल बोट है। ठीक है, और इसको बनाया गया है LNT के द्वारा। LNT एक और वजह से न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम बनाया था। ठीक है, ये बनाया था LNT ने DRDO के साथ में। तो अभी आपका जो है यहाँ पे और साथ ही साथ में कुछ पर्टिकुलर डिफेंस रीजन के लिए जो है अभी न्यूज़ में रह रही थी लगातार, इसको ज़रा आप लोग ध्यान रखे रहना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलिब्रेट्स नेशनल रीडिंग डे एनुअली ऑन, नेशनल रीडिंग डे हर साल कब मनता है? 19 जून, 20 जून, 18 जून, 21 जून और 17 जून? वॉट इज द आंसर? हाँ, द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर हियर विल बी 19th of June। ये आपका हर साल 19th of June को मनता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहती हूँ 20th June को क्या स्पेशल होता है, तो ये आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है। क्या होता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है। कब होता है ये? 20th of June को। ओके, 18th की अगर हम लोग बात करते हैं तो 18th को क्या होता है? ऑटिस्टिक प्राइड डे होता है। ठीक है, ऑटिस्टिक
प्राइड डे होता है, फिर हम लोग को 21 जून दिख रहा है, 21 को क्या होता है बताइएगा। हाँ 21 जून को क्या होता है बताइएगा, फटाफट बताओ। सबसे आसान सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ओके। और 17 जून को क्या हो जाता है, ये आपका थोड़ा सा मतलब याद करने वाली चीज है, लेकिन अब तक मुझे लगता है याद हो गया होगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन, क्या होता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन। 14 को क्या होता है, 14 को आपका ब्लड डोनर डे होता है, ठीक है। 30 को आपका एस्टेरॉइड डे होता है। इतनी बार किया अभी तक, कुछ तो आप लोगों को ध्यान हो गया होगा मुझे लगता है, इजंट इट। नाउ इसका आंसर आपका क्या था, 19 जून, ओके। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलिब्रेट्स नेशनल रीडिंग डे एनुअली ऑन 19 जून। द डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरल, द लेट पी एन पनिगर, हुज डेथ एनिवर्सरी फॉल्स ऑन जून 19। इन 2021 26th नेशनल रीडिंग डे इज बींग सेलिब्रेटेड। द फर्स्ट रीडिंग डे सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड इन 1996। नाउ नेक्स्ट, नेम द जाम्बियन पॉलिटिशियन हु सर्वड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया हैज पास्ड अवे रिसेंटली। कौन से पहले प्रेसिडेंट थे जाम्बिया की जिनके अभी अभी डेथ हुई है। ऑप्शन केनेथ कोंडा, एगर लोंगू, किशिम्बिया क्वांबविली, माइकल सैटा या बोमैन लुसाम्बो। व्हाट इज द आंसर। अगर सेशन तुम लोग डेली कर रहे हो तो जो 20 जून के बाद में कुछ डेज आएंगे, मुझे लगता है अब तक याद हो जाना चाहिए, इतनी बार उनकी डिस्कशन हुई है। या देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, केनेथ कोंडा, ठीक है। जाम्बियन पॉलिटिशियन केनेथ क्वांडा जी, इनकी मृत्यु हुई थी। अब एक और चीज हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि फिलहाल में जाम्बिया के प्रेसिडेंट कौन है, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, व्हाट विल बी योर आंसर बताइएगा। हाँ केनेथ क्वांडा वॉज करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो। अभी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कौन होते हैं, हेकांडे हिकिलेमा, ओके। बहुत ही भयंकर नाम है, हेकांडे हिकिलेमा, ये अभी फिलहाल में आपके जाम्बिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखे रहना। द 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड हैज बीन वन बाय हुम ऑफ राजस्थान, अ यूनिक कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स अ ट्री विद अ फैमिली मेकिंग इट अ ग्रीन फैमिली मेंबर। ग्रीन पीस, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, कल्प वृक्ष, गोवा फाउंडेशन, एक्सनोरा इंटरनेशनल। हाँ, आपसे पूछा है यूएन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है इस बार किसको दिया गया, ठीक है। द आंसर विल बी फैमिलियल फॉरेस्ट्री, ठीक है। देखो द 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड हैज बीन वन बाय फैमिलियल फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान, अ यूनिक कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स अ ट्री विद अ फैमिली मेकिंग इट अ ग्रीन फैमिली मेंबर। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेज द लैंड फॉर लाइफ अवार्ड एवरी 2 ईयर्स टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन एफर्ट्स टूवर्ड्स लैंड एंड बैलेंस। द थीम फॉर 2021 अवार्ड इज हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, श्याम सुंदर जानी जी को क्या मिला है, श्याम सुंदर जानी, फटाफट इसका एक एक स्क्रीनशॉट लो सब लोग। अगला, रिनाउंड जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती फैज उल वाहिद पास्ड अवे रिसेंटली, ही ट्रांसलेटेड कुरान इन टू, ठीक है। तो मुफ्ती फैज उल वहीद जी की मृत्यु हुई है, इन्होंने कुरान को किस में ट्रांसलेट करा था, पहाड़ी लैंग्वेज, कश्मीरी, उर्दू, गुजरी, हिंदी। या द आंसर विल बी कश्मीरी, फिर से सोचो एक बार, ये आसान सवाल है। यस द आंसर विल बी गुजरी, ही ट्रांसलेटेड कुरान इनटू गुजरी। अच्छा गुजरी कौन सी लैंग्वेज है, ये जो गुर्जर लोग यूज करते हैं वो होती है, ठीक है, गुजरी वो लैंग्वेज होती है जो ये लोग यूज करते हैं, ओके। नाउ रेनाउंड जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती फैजुल वाहिद हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इनटू गुजरी लैंग्वेज हैज पास्ड अवे। द स्कॉलर हैज आल्सो ऑथर्ड सेवरल बुकलेट्स इंक्लूडिंग सिराज उम मुनीरा, अखम ए मैयत एंड नमाज के मसाइल कुरान ओ हदीस की रोशनी में, ठीक है। गुजरी ऑल्सो नोन एज गुजारी, गुजरी, गोजरी और गोजरी इज अ वैरायटी ऑफ इंडो आर्यन स्पोकन बाय गुर्जर्स एंड अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ध्यान रखे रहना, हो सकता है आपको इसमें से भी कुछ एक दे दिया जाए, ओके। नाउ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोवल विल पार्टिसिपेट इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट इन 3rd week of June इन विच सिटी। SCO की मीटिंग कहाँ पर हो रही है इस बार, बेसिकली मॉस्को, दुशानबे, बीजिंग, नूर सुल्तान, इस्लामाबाद। व्हाट इज द आंसर।
या दिस इज, ये आज के सेशन में सबसे आसान सवाल में से एक हो जाएगा. द आंसर विल बी व्हाट? ये आपकी दुशानबे. यस, द आंसर विल बी दुशानबे सी. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल विल पार्टिसिपेट इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट इन थर्ड वीक ऑफ जून 2021 इन दुशानबे. पाकिस्तान एनएसए मोइद यूसुफ विल आल्सो पार्टिसिपेट. तजिकिस्तान इज द चेयर ऑफ द ग्रुपिंग. ठीक है, इस बार की जो ग्रुपिंग है ये तजिकिस्तान के पास है. अब ये नेक्स्ट किसके पास में होगी? नेक्स्ट होगी उज्बेकिस्तान, क्योंकि इन लोगों की जो चलती है ना, ये ऐसे ही आप लोग जो है आपस में ये रोटेट करते हैं अल्फाबेटिकली, आप लोग कह सकते हो. ठीक है, तो अभी तजिकिस्तान के पास में है, नेक्स्ट उज्बेकिस्तान के पास में होगी. तजिकिस्तान की जो मीटिंग हो रही है 21st है, 22nd आपकी उज्बेकिस्तान में होगी. ओके, एससीओ की हम बात कर लें तो ये कहाँ स्थित है? बीजिंग चाइना में स्थित होता है. ठीक है, अच्छा देखो, जैसे ही आप लोग मेंबर देख रहे हो, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो अपना अपना तरीका होता है याद करने का. जैसे मैं कैसे याद करती हूँ, हाँ, मैं इसे कैसे याद करती हूँ, मैं इन तीनों को एक में मिला देती हूँ और इनको यहां से मैंने रुचि बना लिया. तो ये रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान और कजाकिस्तान को मैंने एक में मिला लिया और इसे पाकिजा बना देती हूँ. तो ये पाकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, और फिर मैं ये कैसे याद करती हूँ, कर गई ताजा उपटन, यानी रुचि पाकिजा, कर गई ताजा उपटन. इस तरीके से मैं अपने दिमाग में याद करते रहती हूँ इसे. रुचि आसान होता है, ये तीन हो जाती है. पाकिजा से आपका पाकिस्तान, किर्गिस्तान हो कजाकिस्तान हो जाता है. किर्गिस्तान के लिए मैं कर गई ध्यान रखे रहती हूँ. तजिकिस्तान से ताजी, उज्बेकिस्तान से उपटन, बिकॉज ये सब मुझे मेमोराइज करने में आसान रहता है. तो इस तरीके से आप लोग भी अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख देख के बनाते रहो. अभी के लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हो. ओके, नाउ यस, ओके, चलो. हाँ, अभी इसमें रिसेंटली एक नया कंट्री ऐड कौन किया गया, हालांकि यह मैंने कल के सेशन में ऐड किया है. ठीक है, नया कोई कंट्री ऐड किया गया या नहीं किया गया, यहाँ पे एक स्लाइड भी थी, आई डोंट नो. गुजरात के अंडर आईएएस ऑफिसर गुरुप्रसाद मोहापात्रा पास्ड अवे. ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट. क्या आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुप्रसाद मोहापात्रा जी की मृत्यु हुई है, ये इनमें से कौन से डिपार्टमेंट के जो है सेक्रेटरी थे? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द आंसर? या द आंसर ये विल बी व्हाट? डीपीआईआईटी. ज्ञानपीठ अवार्डी ऑथर अमिताभ घोष इज ऑल सेट टू रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन अक्टूबर 2021. ठीक है, अमिताभ घोष जी की कौन सी एक नई किताब आने वाली है अक्टूबर 2021 में? टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मिड नाइट चिल्ड्रन, लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्राम शैंडी जेंटलमैन, नटमेग्स कर्स, द रेनबो. कल ही हमने ये क्वेश्चन करा था, इजंट इट? या द आंसर विल बी व्हाट? द नटमेग कर्स. ठीक है, अब एक बात बताइएगा, द रेनबो किसने लिखी है? डी एच लॉरेंस ने लिखी है. इसने डी एच लॉरेंस. टू किल अ मॉकिंग बर्ड बहुत ही फेमस है हार्पर ली जी की. इसकी हार्पर ली. मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रश्दी. यहां से अगर हम लोग चाहें ना, जिसे नहीं पता हो वो एक और तरीके से कर सकता है. कैसे? वो यहां से एलिमिनेशन मेथड से भी चाहे तो कर सकता है. ओके, हाँ, ये आपकी कॉरन सिस्टर्न जी की है. ये थोड़ा सा इनका नाम वो है, इतना फेमस नहीं है, बाकी तो फेमस नहीं है. इसका आंसर क्या था? द नटमेग्स कर्स. अ यूनाइटेड नेशन डिजाइनेटेड डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 जून एवरी ईयर. द डे वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 20 इन विच ईयर. वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब से मनाना शुरू किया गया है? ओके, ऑप्शंस 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. कब से शुरू किया गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता कब है? ये आपका जून 20 में होता है. ये मनाना शुरू किया गया 2001 से. ओके, यूनाइटेड नेशन डिजिग्नेटेड डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 20 एवरी ईयर. ओके, इट कमेमोरेटेड 50th एनिवर्सरी ऑफ 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी. द डे वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 20, 2001. यस यस, 20 साल हो गए इनके. द बुक टाइटल्ड विल इज अ मेमोयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग? टॉम क्रूज, विल स्मिथ, क्रिस हेम्सवर्थ, हेनरी कैविल, क्रिस एवांस. ये आज सुबह भी हम लोगों ने, आज सुबह के सेशन में भी किया था. ये किसकी होती है? विल स्मिथ जी की होती है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विल स्मिथ. ओके, या
Who has been honored with European Inventor Award 2021 in the non-European Patent Office countries category? क्या आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसे जो है European Inventor Award 2021 दिया गया है non-European Patent Office countries की कैटेगरी में? देवाशीष मुखर्जी, सुमिता मित्रा, गरिकापति नरहरि शास्त्री, गोविंद राजन पद्मनाभन या अनिमेश चक्रवर्ती? Very good. The answer will be what? The answer will be Sumita Mitra. Indian American chemist Sumita Mitra has been honored with European Inventor Award 2021 in non-European Patent Office categories. ठीक है? हाँ, very good. चलो. Which financial technology company has signed lead generation agreement with 12 financial institutions? इनमें से कौन सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने लीड जनरेशन एग्रीमेंट किया है 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में? द आंसर इज बताओ अभी. देखो इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पेपाल, गूगल पे, पे पॉइंट, ईटी और मोबिक्विक. द आंसर हियर विल बी व्हाट? पे पॉइंट इंडिया. ठीक है, देखो पे पॉइंट इंडिया अ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज साइन लीड जनरेशन अग्रीमेंट विद 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, द एम ऑफ द डील इज टू असिस्ट विद लोन्स टू अंडर सर्व्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड टू जनरेट लीड्स फॉर हाउसिंग, पर्सनल एंड बिजनेस लोन थ्रू पार्टनरशिप विद बैंक एंड एनबीएफसी. एज पर आरबीआई डेटा, अंडर द लोन कैटेगरी ऑफ रुपीज 1 to 10 lakh बिजनेस हैव बोरोड ओनली अराउंड रुपीज 94,000 करोड़. ठीक है, हेंस पे पॉइंट इंडिया इंटेंड्स टू एड्रेस द गैप. ओके, याद रखे रहना इस बात को. द बुक टाइटल्ड मॉन्क इज अ मर्क इज अ मेमोयर ऑफ विच इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट टू बी रिलीज पोस्थमसली? अरविंद पानगरिया, आदित्य गुप्ता, बिपिन एस वालिया, अशोक पानगरिया, संदीप वैश्य. देखो क्या पूछ रहा है आपसे. मॉन्क इन अ मर्क, ये मेमोयर है कौन से इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट की उनके मरणोपरांत? द आंसर इज अरविंद अंकल. द आंसर विल बी, देखो, मॉन्क इन अ मर्स द मेमोयर ऑफ फेमस इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी अशोक पानगरिया इज सेट टू रिलीज ऑन 28th of June 2021. अरविंद पानगरिया जी की एक किताब को जो आप लोगों को याद रखना है, जो शायद आ जाए, न्यू इंडिया रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी, ये अभी मई में ही आई थी. ठीक है, ये अरविंद पानगरिया जी की है, न्यू इंडिया रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी, इसको ध्यान रखना. ये अरविंद पानगरिया जी की किताब है, ये आपसे पूछी भी जा सकती है. फिर यहाँ देखो, अभी कोविड के टाइम पे जो आदित्य गुप्ता जी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी और कहा था कि इससे फंड रेज करेंगे बेसिकली जो विक्टिम्स हैं उनके लिए. तो इनकी जो किताब थी ये थी 7 lessons from Everest. ये दोनों को भी ध्यान रखे रहना. इनका आंसर क्या था? अशोक पानगरिया. ओके, एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गुटेरेस आका एंटोनियो गुटेरेस वाज री इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर अ सेकेंड 5-year term. ही हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? एंटोनियो गुटेरेस कौन सी कंट्री के हैं? जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस. ही इज फ्रॉम, यस, ये बहुत आसान सवाल हो गया. ही इज फ्रॉम पुर्तगाल. ये पहले पुर्तगाल के पीएम थे, जो अभी कोस्टा साहब, एंटोनियो कोस्टा, ये पहले हुआ करते थे आपके पुर्तगाल के पीएम. फिर इन्हें क्या बनाया गया था, ये यूएन के आपके सेक्रेटरी जनरल बने थे. अभी दूसरी बार भी इन्हें अपॉइंट किया गया है यूएन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में. यूएन कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में. ठीक है, अच्छा, इंडिया और यूएन मिलकर अभी एक नया अवेयरनेस प्लेटफॉर्म लेकर आए थे, यूनाइट. ठीक है, जो यूएन हेड ऑफिस में इसकी ओपनिंग की गई थी. ओके, और यूनाइट के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से कितने देने को कहे थे? $1.64 million. अच्छा, एक और भी चीज, अभी आपका यूएन का पीस कीपिंग ऑपरेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है कॉन्टिन्यूसली, इजंट इट? यूएन का आपका पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो जो यूएन का पीस कीपिंग ऑपरेशन है इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में होता है. और एक चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन होते हैं? बताइएगा कौन है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? बताओ भाई. अरे यार, एक तो मेरी पेन कहाँ कहाँ जाती है. जीन पियरे कोवरेक्स. ठीक है, ऐसे याद रखो, ये आपके सेक्रेटरी जनरल है. ओके, पीस कीपिंग ऑपरेशन के. नेम द डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय इंडस इंड बैंक. इंडस इंड बैंक ने अभी कौन सा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था?
इंड स्टैक क्रेडिट, इंड इजी क्रेडिट, इंडस इजी क्रेडिट। हाँ भाई बताओ। यस आंसर सवाल है, द आंसर विल बी इंडस इजी क्रेडिट। ओके यस इंडस इजी क्रेडिट। इसके साथ में जरा एक और बात को याद रखिएगा कि अभी इनको एजेंसी बैंक भी आरबीआई ने अपना चुना था। क्या चुना था? एजेंसी बैंक चुना था। इंडस इंड बैंक का आपका टैगलाइन क्या हो जाता है? टैगलाइन होता है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। ओके देन इंडस इंड बैंक का आपका हेड ऑफिस कहां पर होता है बताइएगा। द क्वेश्चन इज कि इंडस इंड बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है बताते चलो भाई। यस मुंबई बोल दो एक बार और गलत कर लो। पुणे ठीक है यस। और हेड कौन होते हैं? काठपालिया साहब। ये आपके सीईओ हैं। ओके यस। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड किसका होता है? इंडियन बैंक का होता है, इंडसइंड का नहीं होता है। उसके थ्रू वो लोग स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते हैं ठीक है। आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड इंडियन बैंक का है। इंडस इजी क्रेडिट इंडसइंड बैंक का है। द मोबाइल ऐप नमस्ते योगा डिवोटेड टू योगा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत आसान सवाल है। नमस्ते योगा को किसने अभी जो है लॉन्च करा था? द आंसर विल बी यस हियर योर आंसर विल बी व्हाट व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा वाई ब्रेक लॉन्च किया गया था, एक आप लोगों का एम योगा लॉन्च किया गया था ठीक है। और योगा का जो है आयुष मिशन जो है नेशनल आयुष मिशन, इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की गई है 4076 करोड़ की। इसके साथ में अपना इनका एक एक्सपोर्ट क्रेडिट भी बनाया जा रहा है। किसका? आयुष का। और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में मिलकर कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस समय सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में है। यूथ अफेयर किसके पास में? अनुराग ठाकुर जी के पास में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी के पास में। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी के पास में। अभी आपने पढ़ा होगा मनसुख मांडविया एक जगह कहते हैं एक कॉमन मैन बन के तो उनको गार्ड मार के भगाया है। ओके अब सोचो कॉमन मैन का आसान कॉमन मैन का जीवन ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी कर लोगे, नहीं बहुत नाटक है, अब पता चलता होगा। चलो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स क्रॉस $600 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया इज नाउ व्हाट लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स होल्डर? अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक वाइक करते रहो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिसलाइक करो ठीक है। ये नहीं कहूँगी डिसलाइक मत करो, लेकिन जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है सेशन में वो आप लोग कमेंट में बताया करो कि हाँ दिस इज सम देयर इज समथिंग जो इस सेशन में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके बिकॉज सेशन तुम लोगों के लिए और सेशन को इम्प्रूव करना ही मेरा ऑब्वियसली यही मेरा एम है कि मैं सेशन को इम्प्रूव करके अच्छा लेकर आऊँ ठीक है। चलो That would be fourth, okay? Yes. Name the Bollywood actor who has been appointed as new brand ambassador of biotechnology company MyLab Discovery Solution. ठीक है? Bollywood actor जिन्हें appoint किया गया है brand ambassador of biotechnology company MyLab Discovery Solution, क्या answer होगा? ठीक है, ये तो आसान सा सवाल हो गया। कुमार साहब हैं ठीक है। अच्छा आयुष्मान खुराना जी को आप लोगों को कैसे याद रखना है? आयुष्मान खुराना जी को सेलिब्रिटी एडवोकेट चुना गया था यूनिसेफ के चिल्ड्रंस राइट्स में ठीक है। आयुष्मान खुराना जी की ये बात याद रखना, सेलिब्रिटी एडवोकेट ठीक है फॉर चिल्ड्रंस राइट्स यूनिसेफ ने चुना था ठीक है। हाँ राजकुमार राव को अभी अभी पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैशिफाई का। जोमैटो के कौन बने हैं? ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ।
और बहुत भयानक हो गया है उन लोगों का बनते ही। द नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड बाई MP राहुल शिवाले इन। देखो पहली बार जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया था ये भारत में कहाँ किया गया था? इंदौर, न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर। ये तो आसान से सवाल हो गया, ये किया गया था आपका मुंबई में, ठीक है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन वुमेन्स के लिए जो है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए किस स्टेट ने अपने वहां पे मातृ कवचम शुरू किया गया था? केरल ने किया है, मातृ कवचन इनका प्रोग्राम आया है, ठीक है। कौन सी ऐसी सिटी थी जो पहली बार कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो गई थी आपकी? भुवनेश्वर, ओडिशा। पहली बार फर्स्ट डोज कंप्लीट करने वाला कौन था? पहली बार फर्स्ट डोज कंप्लीट करने वाला हिमाचल प्रदेश था। पहली कंट्री ऐसी कौन सी थी जिसने कोविड वैक्सीन रजिस्टर की थी? रशिया। पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जो एनिमल्स के लिए कोविड वैक्सीन लेकर आई है? रशिया। ओके, ध्यान रखे रहना ये दोनों ही पॉइंट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 2 नैनोमीटर प्रोसेस चिप? एक्सेंचर, IBM, इंटेल, माइक्रोन, मीडिया टेक। ये हमने इसके पहले भी किया था, ठीक है। किसने जो है अनवील किया है विश्व का पहला 2 नैनोमीटर प्रोसेस चिप? ये आपका IBM है, इन्होंने किया है। ओके, इसको ध्यान रखना। IBM ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ में मिलकर एयरपोर्ट इन अ बॉक्स भी लॉन्च करने को कहा है, एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म। ओके, या नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। Which of the following is introducing a new feature of 4-digit security code in its application form? ठीक है, इनमें से कौन ऐसा है जिन्होंने एक 4-digit security code लॉन्च करा है? जीवन सेवा, कोविन, आरोग्य सेतु, उमंग या कोविड केयर? What is the answer? Yes, the answer will be कोविन। द CM ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड COVID-19 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 इन May 2021? आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। वॉट इज द आंसर? क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन से स्टेट के CM हैं जिन्होंने COVID-19 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च किया May 2021 में? आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? द आंसर इज, द आंसर हियर विल बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश CM जयराम ठाकुर लॉन्च COVID-19 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। इट इज फॉर फैसिलिटेटिंग द पीपल रिगार्डिंग कोविड रिलेटेड इश्यूज। कॉलर्स कैन कॉल फ्रॉम 7 AM टू 10 PM। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश बना है जहाँ पे मॉन्ग फ्रूट कल्टिवेशन शुरू करी गई है। ओके, इसके साथ में जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे आपके जो लॉन्गेस्ट सर्विंग CM थे, यस लॉन्गेस्ट सर्विंग CM वीरभद्र सिंह जी, इनकी अभी डेथ हुई थी। ओके चलो, इन May 2021 विच स्टेट अनाउंस्ड टेस्ट लाइक सिटी स्कैन, मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑक्सीजन एटसेट्रा शैल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू पुअर कोविड पेशेंट? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यस, ये किया गया था कहाँ पर? ये किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर कोविड पेशेंट्स। अंडर द स्कीम द पुअर एंड कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग इवन द मिडिल क्लास विल बी एबल टू गेट फ्री ट्रीटमेंट फॉर COVID-19 इन कॉन्ट्रैक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। टेस्ट लाइक सिटी स्कैन, मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑक्सीजन एटसेट्रा शैल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वहाँ पे देवारण्य स्कीम शुरू किया था आयुष को पॉपुलर करने के लिए, ठीक है। लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई थी उन बच्चों के लिए जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के थे और चाइल्ड केयर के बाहर आए थे अभी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे आपका मांडू फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, खजुराहो फेस्टिवल हुआ था, ये भी ध्यान रखे रहना, ये सब आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाई RBI फॉर प्रायोरिटी लेंडिंग बाई बैंक्स फॉर कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या पूछा जा रहा है, कितना अमाउंट RBI ने जो है अनाउंस करा है प्रायोरिटी लेंडिंग के तौर पर बैंक्स के द्वारा कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़? आंसर विल बी 50,000 करोड़।
Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das has announced a COVID-19 healthcare package of Rs. 50,000 crore for lending to entities such as vaccine makers, medical equipment supplier, hospital and related sectors beside the patient in need of fund for treatment. The new on-tap special liquidity facility of Rs. 50,000 crore will be made available to banks at the repo rate for access to emergency health security amid COVID stress due to second wave of COVID. Banks can give loan under this facility till March 31, 2022. This COVID loan will be provided for a tenure of up to 3 years and will be classified as a priority sector loan till repayment of maturity. ठीक है, बहुत important है. 31 मार्च में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं. रोजगार योजना आपकी हो गई, वीज़ा टूरिस्ट जो फ्री दिया जा रहा है वीज़ा, वो हो गया, पैन लिंकिंग आधार ये भी हो गया, ये सब आपका 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंडेड है. Which of the following state has declared journalist as a frontline COVID warrior? Gujarat, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu. हाँ, the answer will be Odisha. Odisha ने कराया, ठीक है. ओडिशा में अपने वहां पर एक कौन सी स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य स्कीम, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखे रहना. इसका आंसर आपका क्या है, ओडिशा है. Yes. यहाँ पे आपका राजा पर्व फेस्टिवल हुआ था, ठीक है. इसके साथ में जो है, आप लोग एक और बात को याद रखिएगा कि इन्होंने लॉन्च करा गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना और जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर लॉन्च जो है बता दिया. इससे 6500 से ज्यादा जर्नलिस्ट की हेल्प होगी. गोपा बंधु संवादिका के अंडर एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख तक का सभी जर्नलिस्ट को, और इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस 15 लाख तक की प्रोवाइड की जाएगी फैमिलीज जो जर्नलिस्ट की होंगी जिनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है ड्यूटी के वक्त पर. ओके, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रोमानिया? बुकारेस्ट इन लियू, तहरान इन रियाल, मजूरो इन डॉलर, पालिकर इन यूरो, नन. रोमानिया की करेंसी और कैपिटल आपसे पूछी जा रही है. हाँ देखो, इसको हम लोग बहुत आराम से वो भी कर सकते हैं. रोमानिया से थोड़ा बहुत तो आप लोगों को यार बुकारेस्ट लगता होगा, है कि नहीं, थोड़ा अंदर से फील आता होगा. द आंसर विल बी ए. तहरान रियाल कहाँ का हो जाता है, ईरान. ओके, मजूरो इन डॉलर, देखो बेसिकली जो मजूरो है ये मार्शल आइलैंड्स पर एक सिटी में है. फिर पालिकर और यूरो, तो एक आपका वो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, पालिकर वहाँ की राजधानी है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा. द आंसर विल बी बुकारेस्ट इन लियो. सैफा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नन. फील नहीं आता है, आना चाहिए लेकिन फील जरूरी है. देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है. सैफा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड है कौन सी पार्ट में? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. यस, सब जम्मू कश्मीर भी बता रहे हैं. सैफई से याद रखा करो, उत्तर प्रदेश, ठीक है. हम्पी सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? काली, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, नन. हाँ, सैफई ऐसे ही याद रहेगा. सलमान खान वाला एक बार बहुत भयानक वो भी हुआ था. यस, आपसे पूछा गया है हम्पी सिटी कौन से नदी के किनारे पर है? द आंसर विल बी तुंगभद्रा. हम्पी सिटी जो है, हम्पी किस पे बना हुआ है, कौन सी नोट पर बना हुआ है? 50 रुपीज की नोट पर बना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना. हाँ, एक और बात बताइएगा, अभी कर्नाटका में टोटल कितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं बताइएगा जरा. सब कावेरी बता रहे हो यार, तुंगभद्रा होगा इसका आंसर. बेलारी के बगल में, अभी बेलारी से ही विजयनगर को काटकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है. अब ये तुम लोग बताओ कर्नाटका में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, बेलारी से ही किनारे किया गया उसे. अ चेक विच इज पेएबल टू एनी पर्सन हु रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द बैंक काउंटर इज कॉल्ड? क्रॉस चेक, बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, स्टेल चेक, नन. क्या पूछ रहा है? एक चेक जो कि पेबल है किसी को भी जो उसको प्रेजेंट कर ले रहा है, ओके, इसको क्या कहोगे? इसको कहा जाता है आपका स्टेल चेक, अरे सॉरी, बेयरर चेक, ठीक है. बेयरर चेक का मतलब होता है एक ऐसा चेक जो उसको लेकर के जा रहा है, कोई क्रॉस आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि आपका नाम है या आप वही सारो, कोई नहीं,
उसका मतलब ही है जो भी उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे अनसेफ माना जाता है। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक में कभी भी आप लोगों को अकाउंट में ही मिलेगा, कभी भी आपको आपके हाथ पर नहीं दिया जाएगा पैसा, हमेशा अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दो तरीके से होते हैं, या तो आपका जनरल होता है या तो स्पेसिफिक होता है। जनरल में किसी भी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, स्पेसिफिक में जो क्रॉस लाइन के बीच में बैंक का नाम होता है केवल उसी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ऑर्डर चेक में क्रॉस आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेल चेक का मतलब है जो भी डेट लिखा हुआ है चेक पे उससे 90 डेज बीत चुके हैं और अभी तक इसको जो है अभी तक इसका ऑनर नहीं किया गया है, तो बेसिकली इसका डिसऑनर हो जाता है। स्टेल चेक का मतलब क्या होता है? 90 डेज हो गए हैं अभी तक उसको नहीं लगाया गया, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अ पेरेंट कंपनी स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर इन अ फॉरेन कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। अगर कोई भी नया ऑपरेशनल फैसिलिटी और नए जगह पे नया वेंचर शुरू कर रहा है तो उसको किस तरीके की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं? ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, FII, नन, ओनली ANC। चेक नंबर, तुम चेक लीफ की बात कर रहे हो क्या? जो चेक लीफ होता है ये आपका 6 डिजिट का नंबर होता है बेसिकली, ठीक है। यस, आपसे पूछ रहा है सब कुछ न्यू कर रहा है, मतलब किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में वो आकर नहीं कर रहा है इंश्योरेंस अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ न्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका कंप्लीट हो जाता है ये आपका हमेशा FII टिक गया हुआ है, वो आपका ग्रीन फील्ड होगा। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है, ओके, ये आपका होगा और जो सॉरी ये होगा आपका, और जो कम्प्लीटली न्यू ना होके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में लेकर आता है आपका ब्राउन फील्ड होता है, ठीक है। चलो, विच बैंक हैज साइंड MOU विद इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट? कौन से बैंक ने इंडियन नेवी के साथ में एक सैलरी अकाउंट के लिए समझौता किया है? IDFC, RBL, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, नन ऑफ दी अबव। द आंसर विल बी कोटक महिंद्रा। इन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी के साथ में भी किया था, ठीक है। कुछ दिन पहले इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ भी किया था। एक और बात को भी ध्यान रखे रहना सभी लोग कि एक्सिस बैंक ने भी इंडियन आर्मी के साथ में किया है सर्विस सैलरी पैकेज, ठीक है। सर्विस सैलरी पैकेज। कोटक महिंद्रा से रिलेटेड कुछ न्यूज है, इन्होंने लॉन्च किया था पे योर कॉन्टेक्ट सर्विस, इन्होंने इशू किया था भारत का पहला FPI लाइसेंस गिफ्ट AIF को, फिर इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट एक्सटेंड कर दी थी फार्मर्स ट्रेडर्स की, इन्होंने टाई अप किया था इंडियन आर्मी के साथ में सैलरी अकाउंट के लिए, इन्होंने शुरू किया था कोना कोना उम्मीद कैंपेन, ओके, पहला बैंक बना था जिसने वीडियो KYC अलाउ करी थी, और ये पार्टनर किया था पार्टनरशिप पाइन लैब ताकि EMIs दे सके डेबिट कार्ड पर। इसके साथ में कोटक महिंद्रा बैंक जो है कब आया है? 2003 में, मुंबई में सिचुएटेड है। टैगलाइन, लेट्स मेक मनी सिंपल, MD उदय कोटक। ये आपके पिछले साल CII के भी चीफ थे, अभी CII के चीफ कौन हो गए आपके? नटराजन साहब, ठीक है, कहाँ के? टाटा स्टील के, टीवी नरेंद्रन साहब, सॉरी। टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी PM मोदी लॉन्च अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम फॉर ग्रेड्स 3, 5 and 8 इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? शिक्षा निष्ठा सफल ज्ञान नन। हाँ, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपकी NEP पे अभी किस चीज़ को लॉन्च किया गया था? द आंसर विल बी सफल, ये लॉन्च किया गया था ग्रेड्स के लिए। निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है और निष्ठा में टॉप करने वाला स्टेट जम्मू कश्मीर था। इसका आंसर है सफल, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ग्रेड 3, 5 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया CBSE के द्वारा, निष्ठा को टीचर्स के लिए लाया गया। द आंसर विल बी सफल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ न्यू फ्रेमवर्क टू असेस स्टूडेंट्स ऑफ CBSE। द न्यू फ्रेमवर्क नेम्ड सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क टू मूव अवे फ्रॉम रीटोल रेटिंग सिस्टम ऑफ हैवी मेमोराइजेशन अकॉर्डिंग टू CBSE। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेटेड दैट द फ्रेमवर्क विल बी यूज टू असेस 50 लाख स्टूडेंट्स इन 25,000 CBSE स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ओके,
The government has asked patients suffering from what to submit Aadhaar card details. COVID, pneumonia, encephalitis, malaria, TB. देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सरकार ने कौन सी चीज से सफरिंग पेशेंट को कहा है आधार कार्ड डिटेल सबमिट करने को. द आंसर विल बी नो, द आंसर विल बी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, अच्छा, केरल का जो टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम है उसे अवार्ड किया गया था बेस्ट अवार्ड से. ठीक है, बेस्ट प्रोग्राम के अवार्ड से. और टीबी को एलिमिनेट करने का हमारा प्रोग्राम है कब तक का, 2025 तक का. ठीक है, ये बैठे बैठे डिसलाइक कौन करता रहता है आए दिन, मतलब हद है यार. क्या किया जाए बताओ. हु इज बीन अपॉइंटेड एज यूनियन होम सेक्रेटरी. हमारे वहां पे यूनियन होम सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया गया, राजीव महर्षि, दुर्गा शंकर मिश्रा, टीवी रेडिया, के आर मलकानी, अजय कुमार भल्ला. ऐसे ही क्लियर होगा आप लोगों को, ये तो आसान सा दिख रहा है. हाँ, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यूनियन होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं. द आंसर विल बी अजय कुमार भल्ला जी. इन्हें एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है. ओके, इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी कौन होते हैं हमारे, हमारे वहां जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये हैं अजय कुमार जी. कौन, अजय कुमार. ओके, दुर्गा शंकर मिश्रा. तो ये जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं ये आपके हाउसिंग अर्बन अफेयर सेक्रेटरी हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी. ठीक है, फिर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है, अजय सेठ. अजय अजय अजय, समझ रहे हो, बहुत सारे अजय हैं. स्मॉल सा दिख रहा है क्योंकि एक्चुअली आंसर गलत लगा हुआ था, मैंने उसे बाद में सही किया था इसलिए अलग सा दिख रहा है. ठीक है, अच्छा, राजीव महर्षि पहले हमारे वहां कैक थे, अभी जीसी मुर्मू जी हैं. और ये पहले से ही आंसर है इसका. When did the government of India appoint a committee under chairmanship of Shri M. Narasimhan to strengthen banking system? The answer will be December 1997. अब क्या ही आंसर करोगे, रहने दो. Liability side of balance sheet comprises capital and reserve, long term liability, current liability, all, none. क्या आपसे पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है Liability side of balance sheet comprises. Yes, the answer will be all. All revenues raised by the government, money borrowed and received from loan given by government flow into. जो भी revenue सरकार raise कर रही है या जो पैसे ले रही है या जो भी receipt उन्हें मिल रहा है loan का, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कौन से फंड में जाता है, कंसोलिडेटेड कंटिंजेंसी पब्लिक अकाउंट, नन, प्राइवेट फंड. ओके, वीरेंद्र कुमार इज आस्किंग निष्ठा का फुल फॉर्म. एक काम ये तो हो सकता है ना, जैसे सेशन एंड हो, गो ऑन गूगल एंड राइट निष्ठा, इट विल गिव यू द फुल फॉर्म. तो यहाँ पे इतनी बार पूछने से अच्छा है कि वेट कर लो, जैसे सेशन एंड हो एक बार देख लो, दो तीन चार बार देखोगे खुद ही याद हो जाएगा. ओके, द आंसर विल बी वॉट, द आंसर विल बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये जो भी आप पैसे देख रहे हो ये सब सरकार अपने बजट में पाती है, चाहे वो अपनी रेवेन्यू क्या होगा, टैक्स से कलेक्ट आ रहा है कलेक्शन. ठीक है, जो मनी बोरो कर रही है यानी जो उसको लोन्स मिल रहे हैं किसी भी तरह से, या किसी को लोन दिया है उस पर उन्हें जो मिल रहा है, ये सब कुछ ये कंसोलिडेटेड फंड में डालती है. और ये आपका 266.1 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266.1 में है. कंटिंजेंसी फंड होता है एक ऐसा फंड जहाँ पे ऑलरेडी जो है पैसे रखे जाते हैं, कल को अगर कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ से खर्च किए जाएंगे. ओके, और ये आपका 267 में होता है, आर्टिकल 267. पब्लिक अकाउंट फंड में जो भी पब्लिक से कलेक्ट किए गए हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पैसे, वो रखे जाते हैं, और ये 266.2 में होता है. ठीक है, आंसर इसका क्या था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, यस, मैं बताऊंगी वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे क्या कहती हूँ, तुम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों पे डिपेंडेंट रहते हो. अब लगातार सेशन चल रहा है उसमें तुम कॉन्टिन्यूसली निष्ठा पे अटके हुए हो, तो अब एक बात सोचो, अगर तुम ये निष्ठा को दो तीन चार बार देख लोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, मैं ये कहती हूँ. बाकी तो मैं यहाँ पे बताने के लिए ही हूँ, सेशन तो मैं करा ही रही हूँ तो वो तो मैं करूंगी. इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि हर क्वेश्चन को जो है इस तरीके से मत सोचो, इतनी ईजी चीजें आपको एक सेकेंड में मिल जाएगी. देखो, अ डेबेंचर इज अ म्यूचुअल फंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएटेड डेट, डेट हैविंग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट.
Yes, the answer will be इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएटेड डेट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस अ डिबेंचर इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे सरकार बॉन्ड्स लेकर आती हैं वैसे कंपनीज डिबेंचर्स लेकर आती हैं. डिबेंचर वो लोग देते हैं लंबे समय के लिए, लोग उसे खरीदते हैं और कंपनी को पैसा दे देते हैं. कुछ टाइम पीरियड के बाद से कंपनी उनको वो पैसे वापस करती है विद मोर इंटरेस्ट. तो ये एक इनके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि अभी लेकर के फिर इन्हें ये रिटर्न करना होगा. ओके, मिनिमम कैश रिजर्व फिक्स्ड बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट ऑफ बैंक, अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट लोन एंड एडवांसेस ऑफ द बैंक, अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द बैंक, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. द आंसर विल बी वॉट? द आंसर विल बी अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट. ठीक है. अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हो वॉट इज ब्लू चिप इन यूएसए कंपनी सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, घबराना नहीं. ठीक है, इसको स्टॉक कहते हैं कई बार. क्यों कैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, और इस क्वेश्चन को मैं चेंज करने की सोची थी, चेंज नहीं क्यों, बट इस क्वेश्चन का ऐसा कोई सेंस नहीं है. आप लोग ब्लू चिप अपने वहाँ पर समझ लो. हमारे वहाँ पर ब्लू चिप का मतलब होता है वो कंपनीज जिन कंपनीज में कोई भी लॉस ना दिखे और जो कंपनीज बहुत ही हाई प्रॉफिट मेकिंग है. ठीक है, तो जो हमारे वहाँ पे बीएससी एनएससी है यहाँ पे ब्लू चिप कंपनीज को नंबराइज कर दिया जाता है. जैसे एनएससी में आपको 50 ब्लू चिप कंपनीज दिखेंगी तभी निफ्टी 50 कहते हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 ब्लू चिप कंपनीज होती हैं. इन ब्लू चिप कंपनीज के शेयर की प्राइस बहुत हाई होती है और ये प्रॉफिट मेकिंग होती है, कहा जाता है कि इनमें लॉस नहीं होने वाला है. ठीक है, चलो. ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट. चलो गाइस, सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक द सेशन एक एक बार सेशन को लाइक कर देना, और अगर अच्छा ना हो तो ऑब्वियसली डिसलाइक कर देना, बट एटलीस्ट कमेंट करके ये बता देना कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या था. दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट में ये बताया करो कि प्रॉब्लम कहाँ था क्या था. जैसे एक अभी मुझे पता चला कि आई एम चेंजिंग द स्लाइड, तो नहीं पता चलता है कई बार. ओके, सो दैट इज़ ओके. मैं दो तीन बार एक और ऑप्शन पढ़ी थी, एक और लोगों का कमेंट पढ़ी थी कि बार बार सारे ऑप्शन पे टिक मत करो, तो मैं अपने आप पे कंट्रोल इस पे ली हूँ और सारे ऑप्शन पे कोशिश करती हूँ ना टिक करूँ. ओके, तो वो धीमे धीमे और सही हो जाएगा. ओके, एनीवे, जो भी आप लोगों को लगता है उसको आप लोग एक बार ही जो है बता देना कि हाँ ये प्रॉब्लम है. कल 12 बजे से आपका क्लास शुरू हो रहा है SBI क्लर्क मेंस का, तो कल से हम लोग वो क्लास करने वाले हैं. ओके, तो चलो फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में. तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो. टेक केयर, लव यू, बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.